Hello，Hello。Hello. Hello. हेलो हेलो ठीक है एक बाहर जाके फिर चेक कर चलते हैं ऑल राइट गुड इवनिंग एवरीमान गुड इवनिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग ए एस फिफ्टीन कर रहे थे अपन लोग और ए एस फिफ्टीन को करेंगे अभी जल्द से जल्द एक छोटा सा रिविजन जो पार्ट हमारा हो चुका है और जो पार्ट बचा हुआ है और इसके अलावा क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट वो अपन आज के लेक्चर में कवर कवरअप करेंगे ठीक है सबसे पहले ए एस फिफ्टीन का नाम क्या है बेटा

कि जो अदर लॉन्ग टर्म इंप्लॉय बेनिफिट होते हैं और पोस्ट इंप्लॉयमेंट इंप्लॉय बेनिफिट होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं कौन कौन से दो टाइप के होते हैं डीसीपी एंड डीबीपी डीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान और डीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान ठीक है अब इनकी अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में हमने देखा था कि डीसीपी डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान डिफाइंड डिफाइंड मतलब फिक्स्ड यहां पर का क्या होने वाला है? होने वाला वाला है है जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन वो करेगा इंप्लॉय को पे करने के लिए दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन इज फिक्स ठीक है यहां पर फाइनल बेनिफिट जो इंप्लॉय को मिलेगा वो फिक्स नहीं है यहां पर रिस्क किसके अंदर है इंप्लॉय के पास रिस्क है यहां पर इंप्लॉयर का रिस्क

हमने यहां पर देखा था कि सबसे पहले आप ओवरऑल सबसे पहले बेनिफिट निकालोगे क्या निकालोगे बेनिफिट इसको बोलोगे बोलोगे आप एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या बोलोगे आप एक्सपेक्टेड बेनिफिट आपने निकाल लिया अब वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट को क्या करोगे आप अलोकेट करोगे कितने ईयर्स में अलोकेट करोगे पांच कितने ईयर्स में अलोकेट करोगे जितने नंबर ऑफ ईयर्स की सर्विस है जितने नंबर ऑफ ईयर्स की सर्विस है है ना हैव सम मेच्योरिटी सेकंड थर्ड

कल की क्लास में डीबीओ पेबल लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाता है कहा जाता है बैलेंस शीट के अंदर ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर जाएगा बैलेंस शीट के अंदर ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा करंट सर्विस कॉस्ट चला जाएगा पी पीएनएल में फिर क्या करेंगे फिर लास्ट पॉइंट इंटरेस्ट निकालेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट लास्ट क्या करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट गाइज है नॉट इंटरेस्ट कॉस्ट निकालेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट करंट सर्विस कॉस्ट और ओपनिंग बैलेंस पर निकलता जाएगा हर साल और इंटरेस्ट कॉस्ट भी एंडल में चला जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डीबीओ पेबल धीरे धीरे डीबीओ पेबल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है जस्ट इमेजिन रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं है धीरे धीरे डीबीओ बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है मतलब मेरी लाइबिलिटी टूवर्ड इंप्लॉई बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है है क्योंकि मैंने उसको कमिटमेंट किया है कि मैं तुझे दस साल बाद पंद्रह साल बाद इतना अमाउंट इतना परसेंटेज फिक्स पेमेंट करूंगा वो करने के लिए आज मैं अपनी लाइबिलिटी बढ़ाते जा रहा हूं बढ़ाते जा रहा हूं जब मैं उसको पे कर दूंगा तो ये डीबीओ पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा गाइज अंडरस्टूड और नॉट डीबीओ पेबल तो एक हिस्सा था इस डीबीपी की अकाउंटिंग का दूसरा हिस्सा क्या होता है प्लान असेट प्लान असेट क्या होते हैं प्लान असेट इज द इन्वेस्टमेंट बाय द इंप्लॉयर ताकि वो आगे चल के डीबीओ पे कर सके इन्वेस्टमेंट आज से ही मैं कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करता जाऊंगा इन्वेस्ट करता जाऊंगा इन्वेस्ट करता जाऊंगा ताकि आगे चल के कोई इंप्लॉय रिटायर होगा तो मुझे उसको पे करने के काम आएगा अंडरस्टूड और नॉट तो प्लान असेट क्या हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया अब प्लान असेट के अंदर क्या क्या होता है सबसे पहले प्लान असेट में हम क्या करते हैं थोड़ा मुझे रिप्लाई करिए क्या करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन करने से क्या होता है प्लान एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है क्या एंट्री पास करते हैं प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक फिर आगे चल के अगर मुझे किसी को डीबीओ पेबल करना था डीबीओ पेबल को पे करना था बेनिफिट पे करने थे तो बेनिफिट पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्लान असेट को सेल करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा मैं एंट्री के पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान अंडरस्टूड और नॉट अब प्लान सेट को बेचने पर भी कुछ गेन होगा कुछ लॉस होगा इसके अलावा प्लान सेट के ऊपर अपने आप में कुछ इंटरेस्ट के गेंस होंगे करता है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम एनुअल निकालेंगे कि सेमी एनुअल निकालेंगे क्या करेंगे हमें चलाना है कि चलाना है? वो डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन कब पे हुआ है अंडरस्टूड और नॉट तो ओपनिंग बैलेंस पे तो हमें एनुअल रेट अप्लाई करना ही करना है हाँ या नहीं पर ये सेम सिक्स मंथली हमें कब अप्लाई करना है हमें तब अप्लाई करना है जब कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट्स को मिड ऑफ द ईयर में पे किया गया है अंडरस्टूड और नॉट और उसके ऊपर हम निकालेंगे सिक्स मंथली रेट सिक्स मंथली रेट का फॉर्मूला क्या था सिक्स मंथली रेट का फॉर्मूला क्या था अंडर रूट ऑफ वन प्लस एनुअल रेट माइनस वन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड गाइज अंडरस्टूड और नॉट

बच्चे ये एक्चुअल गेन और लॉस वाली चीज को ना ढंग से फील नहीं कर पाते ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को एक्चुअल गेन ऑब्लिक लॉस एक्चुअल गेन लॉस आपका डीबीओ अकाउंट से निकलने वाला है और दूसरा प्लान असेट से निकलने वाला है मैंने अक्सर देखा है कि ये वाला एक्चुअल गेन लॉस तो बच्चों को समझ में आ जाता है क्योंकि प्लान असेट में बना के दिया मैंने मैंने प्लान असेट बना के दिया कैसे बना के दिया ये मैंने प्लान असेट बनाया ये मैंने प्लान असेट बनाया यहां मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा यहां मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा यहां मैंने सेल किया मतलब बाय बैंक यहां मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला यहां मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिखा तो डेफिनेटली इसका जो यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है या यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये क्या होगा ये एक्चुअल लॉस होगा और ये एक्चुअल ये क्यों निकलता है सर अच्छा मैं बता दू एक्चुअल गेन और लॉस का दूसरा नाम रीमेजरमेंट गेन और लॉस

उसने बोला इस रेट के हिसाब से इनकम बुक कर लो आपका एंड में ना वैल्यू ना प्लान सेट की जो हम चाह रहे हैं वो हो जाएगी उसने साले ने मुझसे कंट्रीब्यूशन करवा लिया अपने के हिसाब से उसने साले ने मुझसे इनकम बुक करवा ली अपने के हिसाब से एंड में उसका अजम्पशन किया धरा रह गया उसका अजम्पन बेकार हो गया उसने एंड में देखा कि अरे यार प्लान असट की मार्केट वैल्यू तो कुछ और ही है तो यहां पर क्योंकि प्लान असट की फेयर वैल्यू कुछ और हो जाती है इस वजह से इस अकाउंट में उसके अजम्स कुछ और थे और मार्केट का ट्रेंड कुछ और था इस वजह से हमें क्या मिला रीमेजरमेंट गेन और लॉस जिसको हम पी एंडल में डालते हैं नॉट इन द सेम वे ये तो बच्चों को समझ में आ जाता है ये तो बच्चों को समझ में आता है बट एक और चीज बता दू डीबीओ से भी हमें रीमेजरमेंट गेन और लॉस मिलता है जो मैंने कल की क्लास में सर बोला था कि बस मिलता है कैसे मिलता है कुछ नहीं बताया गया ना आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में बताया गया है ना आपको किसी को क्वेश्चन दिया गया है है बट वही चीज फाइनल में बताई जाती है। पर मुझे या, मुझे शक है कि कल को उन्होंने एफ के अंदर कुछ बात डाल दी तो दिक्कत में आ जाएंगे तो डीबीओ में ये एक्चुअल गेन लॉस आता क्यों है तो उसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले डीबीओ पेबल का अकाउंट पहले ये भी तो समझें कि कल को हमसे अगर डीबीओ पेबल अकाउंट पूछ लिया गया तो हम बनाएंगे कैसे तो डीबीओ पेबल अकाउंट में आता क्या क्या है सबसे पहले तो अगर मान लीजिए मेरा आ, फर्स्ट ईयर है क्या है फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर है तो बाय बैलेंस जीरो हो जाएगा अब मैंने डीबीओ के अंदर सबसे पहली एंट्री आपको क्या सिखाई थी

सेकेंड ईयर आए अब मेरा ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है बैलेंस ब्रॉड डाउन बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है फिर से मैं करंट सर्विस कॉस्ट बुक कर रहा हूं अब तो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट भी बुक होगा यह बुक कर रहा हूं इंटरेस्ट कॉस्ट ठीक है अब मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट भी बुक हो रहा है मिनट ओके huh? okay. अब मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट भी बुक हो रहा है ये भी हो गया आप जानते हो यहां पे भी एक्चुअली मुझे कुछ अजम्शन दे रहा है कैसे ये करंट सर्विस कॉस्ट कैसे निकाला था करंट सर्विस कॉस्ट कैसे निकाला था माय फर्स्ट एग्जांपल करंट सर्विस कॉस्ट के लिए हमने सबसे पहले करंट सैलरी सात सात सेवन सेवन परसेंट से इंक्रीज करके कर कितनी सैलरी हो रही थी 13, फिर हमने उसका 1 था, हमने उसका निकाला तो जो कि कि बोला था कि हम इतना तो कितना पांच साल, साल में अलोकेट किया पांच साल में अलोकेट करने के बाद कौन कौन से प्रोवाइड किए एक्चुअली बोल रहा है डिस्काउंटिंग रेट दस ले लो कल को दो साल बाद डिस्काउंटिंग दिस, रेट चेंज हो गया तो एक्चुअली हो नहीं होंगे बोल रहा है होगी हर साल आठ हम परसेंट से इंक्रीज कर दे तो हम अगर छह परसेंट से इंक्रीज कर दे तो अल्टीमेटली तो ये बेनिफिट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो एक्चुअली जो अजम्पन हमें दे रहा है सेवन परसेंट इंक्रीज टेन परसेंट डिस्काउंटिंग रेट अगर उसके अजम्स में बदलाव हुआ तो अल्टीमेट डीबीओ पेबल क्या हो जाएगा बदल जाएगा क्या हो जाएगा बदल जाएगा और डीबीओ पेबल अगर बदलेगा तो उस अकाउंट में हमें मिलेगा एक्चुरी गेन और एक्चुरी लॉस आया समझ में कि नहीं तो यहां पर जो हम डीबीओ पेबल जो हम यहां पर डीबीओ पेबल दिखा रहे हैं तो यहां पर एक आता है बाय एक्चुरियल लॉस बाय एक्चुरियल लॉस या फिर यहां आता है टू एक्चुरियल गेन सर लॉस को इस साइड क्यों लिखा बेटा नुकसान से आपकी लाइब्रेरी बढ़ रही है आप सोच के बताओ लाइब्रेरी कब बढ़ेगी लाइब्रेरी कब बढ़ेगी जब सैलरी का इंक्रीज रेट सात परसेंट की जगह दस परसेंट हो जाए तो उसकी अल्टीमेट सैलरी बढ़ जाएगी ना उसकी अल्टीमेट सैलरी बढ़ेगी तो वन परसेंट फिर से निकालना पड़ेगा ना तो मेरे को, को नुकसान होगा कि नुकसान नहीं होगा अल्टीमेटली मेरे को बेनिफिट ज्यादा देने पड़ेंगे आया नहीं दूसरा लॉस और कब होगा जब डिस्काउंटिंग रेट गिर जाए डिस्काउंटिंग रेट जितना गिरेगा वैल्यू उतनी हाई होगी इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिस्काउंटिंग रेट से तो डिस्काउंटिंग रेट अगर गिर गया तो क्योंकि वैल्यू बढ़ जाएगी तो मुझे लॉस होगा नुकसान होगा कि नहीं ठीक है और उल्टा अगर डिस्काउंटिंग रेट बढ़ गया तो अल्टीमेट वैल्यू गिर जाएगी सैलरी इंक्रीज रेट गिर गया तो वैल्यू भी गिर जाएगी गाइस अंडरस्टूड और नॉट तो ये एक्चुअल गेन और लॉस आने वाले हैं कुछ भी हो जाए

वेस्टेज ऑफ टाइम है क्योंकि इन्होंने इंस्टीट्यूट में अपने मॉड्यूल में डाला नहीं है तो कुल मिला के बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल गेन लॉस है पर क्यों आया एक्चुअल गेन लॉस उसका रीजन आप यहां लिखोगे दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्चुअल अजम्शंस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्चुरील एजम्शंस ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं चेंज इन अजम्पन्स सच एस चेंज इन सैलरी इंक्रीज रेट चेंज इन डिस्काउंटिंग रेट क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज़ बन रहे हैं दे आर गोइंग इन टू हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में तो समझ तो आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में वो और डेप्थ में जा सकते हैं पहला अटैम है जल्दी निकाल लो खत्म करो किस्सा और हे डेप्थ में चले गए तो अपन फंस जाएंगे तो चेंज इन सैलरी इंक्रीज रेट और चेंज इन डिस्काउंटिंग रेट ये अजम्स बदलने के कारण आपका एक्चुअल गेन और लॉस आने वाला है डीबीओ के अंदर भी समझे क्या कुछ इस तरीके से हमने चीजों को समझने की कोशिश की थी ठीक है फिर तो बस यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड टू बैलेंस कैरिट डाउन अब डीबीओ का ये वाला बैलेंस सामने डीबीओ का ये वाला बैलेंस और प्लान असेट का ये वाला बैलेंस दोनों को नेट करके दिखाना होता है दोनों को अलग अलग नहीं दिखाओगे आप बैलेंस शीट में दोनों को क्या करोगे नेट करके नेट करके दिखाओगे अगर अगर लाइबिलिटी पोर्शन ज्यादा है तो लाइब्रेड साइड दिखेगा और अगर असेट वैल्यू ज्यादा है तो फिर असेट साइड दिखेगा क्लियर मैं कुछ क्वेश्चन अभी फिलहाल लेना चाहूंगा सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन तो हमने कल कर लिया था ये हमारा एग्जाम्पल ही था ये हमने कल कर लिया था हमने 47 भी कर लिया था ठीक है अभी 48 नहीं 48 बाद में बात करेंगे यस फोर्टी नाइन आइए वही चीज को हम एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू रिपीट करने की कोशिश करेंगे पर इस बार थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी फोर्टी नाइन इंप्लॉयॉ रोशन अ कंपनी एक्स वाई जेड इन द ईयर इलेवन एनुअल इमोल्यूमेंट्स ऑफ रोशन हैज डिसाइडेड फोर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड टेन कंपनी हैज़ अ पॉलिसी ऑफ गिविंग पेमेंट ऑफ 25% इंप्लॉयर ऑफ सर्विस इफ द इम्प्लॉय रिटायर कंप्लीटिंग सैलरी ऑफ द रोशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो क्या यह किसका एजम्सन है एक्चुरी का और अगर आगे चल के चेंज हो गया तो एक्चुअल गेन लॉस कंपनी हैज इंडक्टेड रोशन इन द बिगिनिंग ऑफ द इयर

रोशन की आज की सैलरी देखनी चाहिए रोशन की सैलरी आज की कितनी है क्वेश्चन फोर्टी नाइन रोशन की रोशन सैलरी फोर्टीन नाइन्टी टू टेन फोर्टीन नाइन्टी टू टेन और रोशन को करंट ईयर में सैलरी कंपनी हैज इंडक्टेड रोशन इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड रोशन विल कंप्लीट द मिनिमम फाइव ईयर तो रोशन को आज करंट ईयर में हायर किया गया है, so, उसकी है तो उसकी सैलरी कब बढ़ेगी सैलरी इंक्रीज रेट है उसका टेन परसेंट तो उसकी सैलरी कब बढ़ेगी अगले साल से तो कितना होगा सैलरी फिफ्थ ईयर में फिफ्थ ईयर एक्सपेक्टेड सैलरी कितना होगा फोर्टीन सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी 1.1 1.1 क्या है अरे आज अगर सो उसकी सैलरी एक रुपए की है तो अगले साल उसकी एक रुपया दस पैसा हो जाएगी ना 10 परसेंट रेट अबे सुन मैं अगर 1.1 करूं या फिर मैं 110 परसेंट करूं एक ही बात है ठीक है तो तीसरे साल में कितनी हो जाएगी इतनी चौथे साल में इतनी और पांचवे साल के एंड में हो जाएगी इतनी समझ में आएगी नहीं बस एक बार यह चेक कर लेते हैं कि वो सैलरी इंक्रीज कब कर रहा है सैलरी कब इंक्रीज कर रहा है एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट टेन परसेंट पर एन अब टेन परसेंट पर एनम एट एंड है कि एट बिगिनिंग है हम अज्यूम कर रहे हैं एट एंड क्या अज्यूम कर रहे हैं हम मतलब ईयर के एंड में इंक्रीज होगी तो मुझे बताओ अगर ईयर के एंड में इंक्रीज होगी अगर ईयर के एंड में इंक्रीज होगी तो ये सैलरी फर्स्ट ईयर के एंड में हो जाएगी ये सैलरी ये सैलरी ये सैलरी और मुझे कितनी चाहिए फिफ्थ ईयर के एंड में ये सैलरी फिफ्थ ईयर के एंड में आपने कितनी बार वन टेन को लिया कल का एग्जाम्पल याद करो कल का एग्जाम्पल याद करो इस वाले एग्जाम्पल में याद है आपको तेरह हजार एक सौ आ रहा था करो तो दस हजार प्लस सात सात परसेंट करना तो दस हजार प्लस सात सात परसेंट करना तो हाँ कितना आया चार बार लिया था सर अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन एग्जाम में चार बार लेना है कि पांच बार लेना है ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उसकी सैलरी इंक्रीज किस दिन हो रही है करंट ईयर के एंड में हो रही है तो फर्स्ट ईयर के एंड सेकंड ईयर के एंड थर्ड ईयर के एंड फोर्थ ईयर के एंड फिफ्थ ईयर के एंड पांच बार और अगर वो बोल रहा है कि सैलरी इंक्रीज होगी ईयर के बिगिनिंग में तो करंट ईयर तो करंट ईयर है इसका मतलब पहली बार सैलरी इंक्रीज होगी सेकेंड ईयर के बिगनिंग फिर थर्ड ईयर के बिगनिंग फिर फोर्थ ईयर के बिगनिंग फिर फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में और फिफ्थ ईयर के एंड में वही रहेगी ना क्योंकि छठा साल का बिगनिंग हमें चाहिए ही नहीं अब समझे क्या करना है आपको आपको क्वेश्चन में यह पकड़ना है कि इंक्रीज किस दिन पे हो रहा है इस क्वेश्चन में तो पॉइंट ही खत्म उसने तेरह हजार एक सौ आपको निकाल के दे दिया पॉइंट ही खत्म पर इस क्वेश्चन में उसने आपको निकाल के नहीं दिया तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा तो क्या माना है कब इंक्रीज होगी एट द एंड माना 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 गया गया है क्या एट द एंड में इंक्रीज होगी ठीक है तो इसीलिए हम ऐसा ले रहे हैं तो बताइए चलिए रोशन की सैलरी कितनी होगी बोलिए आई हैव द कैलकुलेटर गाइस एंड आई एम हेयर टू टीच यू यू हैव टू मी द फिगर्स हाँ, कितना ट्वेंटी फोर लैक्स एग्जैक्ट दिस इज वॉट लास्ट ड्रॉन सैलरी रोशन को इमोल्यूमेंट कितने मिलने वाले हैं रोशन को कितने डिफाइंड uh, बेनिफिट मिलने वाले हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब अब उसका निकालो सबसे पहले मैंने आपको बोला सबसे पहला पॉइंट हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड डिफाइंड बेनिफिट एक्सपेक्टेड बेनिफिट कितना ट्वेंटी फोर लैक्स मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय फाइव थ्री जीरो अच्छा नंबर ऑफ ईयर सर्विस कितनी है तो मुझे बताओ अलोकेटेड बेनिफिट्स कितने आएंगे बेनिफिट्स, थर्टी लैक्स डिवाइडेड बाय फाइव कितना आया सिक्स लाख. फिर क्या निकालोगे करंट सर्विस कॉस्ट एट डिस्काउंटिंग रेट कितना है एट परसेंट तो बताओ कैसे निकालते हैं इयर वन टू थ्री फोर फाइव फिर क्या लिखेंगे यहां पर अलोकेटेड बेनिफिट्स कितने छ छ फिर क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट आठ परसेंट बोलो नीचे से वन थ्री डिजिट्स एग्जाम में ना दिया जाए पॉइंट के चीजें तो कितनी डिजिट लेनी है डेसिमल के बाद थ्री डिजिट पॉइंट नाइन टू सिक्स एट फाइव पॉइंट सेवन नाइन फोर पॉइंट सेवन थ्री फाइव तो कितना आया अमाउंट करंट सर्विस कॉस्ट का लास्ट वाला छह लाख हाँ एक एक करके अलग अलग लोग बताते जाओ फाइव फिफ्टी फाइव सिक्स हंड्रेड फोर लैख फोर्टी वन थाउजेंड दूसरे वाला फोर सेवेंटी सिक्स फोर हंड्रेड फाइव वन फोर टू डबल जीरो ये हो गया करंट सर्विस कॉस्ट आ गया करंट सर्विस कॉस्ट अब लास्ट स्टेप इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट सेम सबसे पहले ईयर ओपनिंग डीबीओ इंटरेस्ट करंट सर्विस कॉस्ट क्लोजिंग डीबीओ चलिए फर्स्ट ईयर ओपनिंग डीबीओ जीरो इंटरेस्ट जीरो करंट सर्विस कॉस्ट कितना फोर फोर्टी वन तो क्लोजिंग भी कितना हो जाएगा फोर फोर्टी वन सेकेंड ईयर फोर फोर्टी वन ओपनिंग इंटरेस्ट कॉस्ट एट द रेट ऑफ एट परसेंट फाइव टू एटी फिर फोर सेवेंटी सिक्स फोर हंड्रेड है क्या फोर सेवेंटी सिक्स फोर हंड्रेड एड करके ये सब आ जाएगा टू सिक्स एटी आगे का क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे मुझे पता है ठीक है आया समझ में कि नहीं कैसे करते हैं ये हमने सीखा क्वेश्चन सेम था क्या नया मिला क्वेश्चन में पांच बार मल्टीप्लाई करना है कि चार बार करना है उसके लिए क्या देखना है इंक्रीज एट द एंड हो रहा है कि एट द बिगनिंग फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर हो रहा है बस ये ध्यान रखना है तो पूरा सवाल खत्म पूरे मार्क्स जीरो जीरो मिलेंगे जीरो। कोई इवन वो मार्किंग क्या बोलते हैं अपन उसको स्टेप वाइज मार्किंग भी नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी पहली स्टेप ही गलत हो गई ना तो आपकी सारी स्टेप में आपके फिगर्स गलत हो गए ना स्टेप वाइज मार्किंग तो तब मिलती है जब आपकी कोई ना कोई स्टेप का फिगर सही हो तो वो ध्यान रखना चलिए एनीवेज नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं पर ये क्वेश्चन आपके कैलकुलेटर पे होगा, अभी अभी। होगा जल्दी, जल्दी। 1st 11, asset, कितना था? तो asset, करो का मैंने अकाउंट बनाना था अभी जस्ट प्लान अकाउंट बनाना सिखाया था इमेजिन करो वन लैक आपका अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन प्लान थर्टी सेप्टेंबर मेड आ रहा है मेड मिड आ रहा है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा सिक्स मंथली प्लान पेड आउट बेनिफिट उन्नीस हजार एंड रिसीव कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ नेट कितना हुआ 49 19, 30 के ऊपर मंथली रेट लगेगा और बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू कितनी हो गई 150. हो गई ना आगे बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ वन फोर्टी तो डीबीओ का अकाउंट दे रहा है पता नहीं क्यों एक्चुअल लॉस ऑन ऑब्लिगेशन ये कौन सा एक्चुअल लॉस है डीबीओ वाला ऑब्लिगेशन वर्ड यूज किया ना ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन एक्चुअल लॉस के बगल में ऑब्लिगेशन वर्ड यूज होगा तो क्या मतलब हुआ ये प्लान एसेट वाला नहीं है गधो कौन सा वाला है ये डीबीओ वाला है चुप हो जाते हो बस कुछ पूछता हूं तो फॉर द ईयर कितना हुआ छह रुपए बाद में जाए आगे फर्स्ट अप्रैल कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम उनको कितने मिलने वाली है नाइन टू फाइव रियलाइज अनियलाइज गेन ऑन प्लान एसेट कितने होने वाला है और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वन तो कुल मिला के कितना आएगा टेन अब इसका वो निकालो अंडर रूट वाला सिक्स मंथली रेट निकालो कैसा निकलेगा सिक्स मंथली रेट ये टेन पॉइंट टू फाइव है नहीं आता सर हमें निकालना पांच परसेंट इट्स फाइव परसेंट नहीं आया शर्म करो शर्म करो थोड़ी सी टेन पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड इसको लिखेंगे हम जीरो पॉइंट वन जीरो टू फाइव तो अंडर रूट ऑफ वन प्लस जीरो पॉइंट वन जीरो टू फाइव माइनस वन होल मल्टीप्लाई बाइट हंड्रेड पांच परसेंट क्योंकि एनुअल रेट है टेन पॉइंट टू फाइव परसेंटेज परसेंटेज मतलब सौ सो सौ को मैंने नीचे कर दिया यहां पर परसेंटेज हमेशा वैसे ही आता है तो उसको मैंने सॉल्व किया तो ये रेट निकला मेरा एनुअल ये मेरा एनुअल रेट है ठीक तो है कितना आया पांच परसेंट तो किसके ऊपर निकालोगे पांच परसेंट आप जल्दी बताओ आप जल्दी बताओ किसके ऊपर निकालोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा आपका ओपनिंग कितना था वन लाख वन लाख के ऊपर पूरा पूरा एनुअल रेट टेन पॉइंट टू फाइव और नेट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है थर्टी थाउजेंड इसके ऊपर पांच परसेंट और ऊपर वाला टेन टू फिफ्टी तो अगर प्लानसेट बनाओगे तो ओपनिंग क्या आया ओपनिंग क्या आया वन लाख तुम सबके पास क्वेश्चन है कि नहीं है क्वेश्चन है तुम लोगों के पास मतलब जहां से मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन है तुम लोगों के पास ऐसे ही मुंह उठा के आ गए ओपनिंग आ गया कंट्रीब्यूशन कितना 49 और बेनिफिट्स कितने पे हुए 19,000 और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 11 और क्लोजिंग में बैलेंस कितना आना चाहिए फेयर वैल्यू 150 तो एक्चुअल गेन लॉस निकल आएगा तुम्हारा क्या गेन की लॉस एक्चुअल गेन वो आपसे बोलेगा बाद में कि नेट निकालो नेट एक्चुअल गेन नेट एक्चुअल गेन कैसे निकालेंगे एट फाइव जीरो आपका प्लान सेट के ऊपर है और ऑब्लिगेशन के ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है उसने आपको 600 लॉस दिया हुआ है तो नेट कितना आएगा सेवन सिक्स फाइव जीरो नेट एक्चुअल गेन जो कि कहा जाएगा पी एंडल में इसके अलावा बैलेंस शीट का वो आपसे एक्सट्रैक्ट पूछ लेगा पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे साथ डीबीओ कितना है तुम्हारा ऑब्लिगेशन कितने की है और प्लान एसेट वैल्यू कितनी है तो क्या ज्यादा है प्लान एसेट ज्यादा है ना तो तुम एसेट साइड लिखोगे ये तुम्हारा एसेट में आएगा सरप्लस सरप्लस क्या दिखाओगे 150 147 920 तो ये दिखाना पड़ता है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं वो तुम लोगों को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देगा और बोलेगा मुझे ना एक्सट्रैक्ट दो दो पी एंडल का और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दे दो ठीक है अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी हमने ये कुछ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की अब आपके इसी में इसी में और क्या है मैंने आपको क्या पढ़ाना शुरू किया था मैं आपको पढ़ा रहा था सिर्फ देखते जाओ लिख लिखना मत अभी मैंने आपको पढ़ाया था अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट या फिर पोस्ट इंप्लॉयमेंट इंप्लॉय बेनिफिट्स हमने यहां से शुरुआत की थी याद है कि नहीं फिर हम नीचे आए उसके हमने बोला ये डीसीपी हो सकता है या फिर डीबी हो सकता डीबीपी हो सकता है याद है कि नहीं फिर हम डीबीपी के नीचे आए कि हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड से इसके अंदर हमने बोला हम सीएससी निकालेंगे हम इंटरेस्ट कॉस्ट निकालेंगे हम एक्चुअल ऑब्लिक लॉस निकालेंगे इन शॉर्ट हम डीबीओ पेबल निकालेंगे यहां तक सीखा था कि नहीं सीखा था हा अब मैं इसी के अंदर बात कर रहा हूं इसी के अंदर दो बातें बची हैं इसी के अंदर दो बातें बची हैं अब दो बातें क्या बची हैं ये जो डीबीओ पेबल है इसके अंदर दो बातें बची हैं। पहला है मॉडिफिकेशन दूसरा है कर्टेलमेंट डीबीओ पेबल मॉडिफाई कब होगा कर्टेल कब होगा एक है मॉडिफिकेशन एक है कर्टेलमेंट मॉडिफिकेशन मतलब क्या मैंने इस रोशन वाले क्वेश्चन में उसको कितने बेनिफिट बोले थे रोशन वाला अभी क्वेश्चन किया था ना पढ़ने? कितना बेनिफिट बोला था मैंने उसको आ? अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने दो साल बाद रोशन का बेनिफिट 25 से बढ़ाकर कर दिया 35 इसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको मॉडिफिकेशन मतलब क्या हुआ जब आप आगे चल के प्लान में चेंजेस कर रहे हो और एम्प्लॉय के फेवर में कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे मॉडिफिकेशन और इसका जस्ट उल्टा मतलब मैंने आगे चल के रोशन को बोल दिया तेरे को नहीं दूंगा खत्म दूंगा ही नहीं खत्म कर रहा हूं मैं प्लान को कर्टेलमेंट या कम कर रहा हूं कर्टेलमेंट आया समझ में कि नहीं कर्टेलमेंट yes. मोस्टली कब होगा कर्टेलमेंट मोस्टली तब होता है जब एंटिटी प्लान को खत्म कर रही है क्योंकि उसकी बस की नहीं है उसके पास अब इतनी ग्रोथ नहीं है एंटिटी की एंटिटी एक लॉस मेकिंग हो चुकी है और अपने एंटिटी अपने एम्प्लॉय को पे वे नहीं करना चाह रही इसका पूरा नाम होता है कर्टलमेंट विथ और विदाउट सेटलमेंट कई बार ऐसा भी होता है कि मैं ना आप लोगों को ना नौकरी से निकाल रहा हूं तुम लोगों का ना ये मैं बेनिफिट कैंसिल कर रहा हूं। तुम लोग उल्टा मेरे फाइल कर लोगे। कि नौकरी से निकाल रहे हो नाम पर साले तुम तुम स, आपने हमारी ना। आप बोले थे पांच साल बाद देंगे, देंगे दो साल हमने सर्विसेज भी कर ली हमें कॉम्पनसेशन चाहिए तो कर्टलमेंट विथ सेटलमेंट मतलब मतलब कोई कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा भागो आया समझ में क्या हुआ बेटा टेंशन में आ गई लड़की हा? क्या हो गया हा? मुझे लगा गया। क्या हो गया आपको निकाल नहीं रहा हूं एग्जाम्पल दे रहा हूं <laughs> हाँ ये बिल्कुल रियल लाइफ में चली गई हाँ अगर निकाला गया तो क्या होगा सो इट द वन इज मॉडिफिकेशन एंड द सेकेंड वन इज कर्टेमेंट मॉडिफिकेशन में क्या होता है मॉडिफिकेशन में क्या होता है चेंजेस इन प्लान प्लान में चेंज करना इन फेवर ऑफ एम्प्लॉय इन फेवर ऑफ इंप्लॉई और ये कैंसलिंग द प्लान और चेंजिंग द प्लान टू रिड्यूस द बेनिफिट टू रिड्यूस द बेनिफिट्स या तो कैंसिल करूंगा या तो रिड्यूस कर दूंगा समझा कि नहीं मुझे बताओ कौन से वाले केस में डीबीओ बढ़ेगा और कौन से वाले केस में डीबीओ घटेगा मॉडिफिकेशन में डीबीओ बढ़ेगा और कर्टेलमेंट में डीबीओ सिंपल बहुत ही लॉजिकल सही बोल रहे हो तुम लोग तो मॉडिफिकेशन में क्या होगा डीबीओ बढ़ेगा तो यहां पर एक एंट्री पास की जाती है यहां पर एंट्री पास की जाती है मॉडिफिकेशन में जब बढ़ेगा तो एंट्री पास करते हैं लिखो मेरे साथ एंट्री पास्ट सर्विस कॉस्ट डेबिट पास्ट सर्विस कॉस्ट डेबिट अनरिकग्नाइज्ड सर्विस कॉस्ट डेबिट टू डीबीओ पास सर्विस कॉस्ट डेबिट अनरिकग्नाइज सर्विस कॉस्ट डेबिट ठीक है अब तुम बोलोगे सर ये है क्या ये कौन सी बला है पास सर्विस कॉस्ट अनरिकोगनाइज सर्विस कॉस्ट सुनो तो पहले मत लिखना अभी कुछ मान लीजिए तुम लोगों ने मेरी कंपनी ज्वाइन की एक चार 2023 को मैंने तुम सबको बोला कि मैं तुम लोगों को पांच साल बाद 24, 25, 26, 27, 28, 31 मार्च 28 पे मैं तुम लोगों को डिफाइंड बेनिफिट दूंगा क्या दूंगा डिफाइंड बेनिफिट दूंगा पांच साल की सर्विस पूरी करो मैं डिफाइंड बेनिफिट दूंगा आया समझ में कि नहीं यहां मैंने डिफाइंड बेनिफिट देने का वादा कितना किया था डिफाइंड बेनिफिट देने का मैंने यहां पर वादा किया था ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना पहला साल हुआ पहला साल हुआ पहले साल के हिसाब से बताओ मैंने करंट सर्विस कॉस्ट बुक कर लिया होगा क्या मैंने अच्छा इंटरेस्ट कॉस्ट तो आया नहीं होगा ठीक है फिर सेकेंड ईयर हुआ ये फर्स्ट ईयर डन सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर में मैंने करंट सर्विस कॉस्ट बुक किया होगा मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट भी बुक किया होगा पर ये दोनों की दोनों करंट सर्विस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट किसके कितने परसेंटेज का बेसिस पर होंगी मान लीजिए मैंने थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मॉडिफिकेशन कर लिया क्या कर लिया मॉडिफिकेशन करके मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको डिफाइंड बेनिफिट पैंतीस परसेंट दूंगा कितना दूंगा पैतीस परसेंट दूंगा आई बात समझ में नहीं तो एक बात बताओ मैं तो आपको पैंतीस परसेंट दूंगा पर जो अभी तक की मैं वर्किंग कर चुका हूं वो कितने परसेंट के हिसाब से कर चुका हूँ ट्वेंटी फाइव परसेंट के हिसाब से तो बताइए कितने का डिफरेंस आ रहा है टेन परसेंट का बोलो बेटा तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये जो डिफरेंस आ रहा है टेन परसेंट का इसको बोलते हैं एडिशनल बेनिफिट क्या बोलते हैं एडिशनल हाँ? बेनिफिट ये जो एडिशनल बेनिफिट होंगे ये एडिशनल बेनिफिट तो दो साल में भी होंगे और अगले होने वाले तीन साल में भी आने वाले तो इन एडिशनल बेनिफिट के मैं करूंगा दो हिस्से पास्ट टू इयर्स एंड अपकमिंग थ्री इयर्स बोल सकता हूं कि नहीं जो पास्ट टू इस है उसी को बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट क्या बोलते हैं उसको पास्ट सर्विस तूने मुझे पास्ट में सर्विस दी थी जिसका मैं तेरे को कितना परसेंट दूंगा पैंतीस पर की जबकि अभी तक रिकॉर्ड कितना किया है पच्चीस तो दस परसेंट मुझे इमीडिएटली और रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना आया सर में कि नहीं और जो तू मुझे अपकमिंग फ्यूचर में सर्विस देने वाला है अपकमिंग फ्यूचर में देने वाला है सर्विस वो उसका भी एडिशनल दस परसेंट मुझे तुझे देना पड़ेगा उसको मैं बोलूंगा अनरिकग्नाइज सर्विस कॉस्ट अभी रिकग्नाइज नहीं कर रहा हूं मैं उसको समझा कि नहीं समझा ये होता है क्लियर हुआ इसकी बाकायदा पूरी कैलकुलेशन करवाई जाती है सीए फाइनल में आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाई गई आपके साथ सबसे बड़ी चीज यह है कि

क्योंकि दो साल ऑलरेडी हो चुके हैं ना और जो एडिशनल बेनिफिट है 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 उसको तो मुझे जाना जाना पड़ेगा पी हैंडल में आज तक चले जाना चाहिए था आया कि नहीं ये जो है सर्विस ये जो थोड़ी चीज़ कॉस्ट मतलब अपकमिंग थ्री इयर्स का बेनिफिट एक्स्ट्रा वाला ये दस परसेंट वाला आ रही समझ में बात की नहीं तो इसके रिगार्डिंग वो कहता है इसके रिगार्डिंग वो कहता है कि आप इसको आप इसको डेफर एंड अमोटाइज करोगे थ्री इयर्स में कितने इयर्स में थ्री ईयर मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग थ्री ईयर अगर मेरे एग्जाम वो क्वेश्चन बदल गया तो वो अकॉर्डिंगली वो तो क्या करना पड़ेगा इसको डेफर एंड अमोटाइज समझा कि नहीं समझा अब इसका एक बात बताओ अगर मैं आपको बोलूं कि अनरिकोगनाइज सर्विस कॉस्ट है तीन लाख रुपए आप इसको थ्री इयर्स में डेफर करोगे एक साल हो गया कितना डेफर करोगे वन लैख क्या एंट्री पास करनी चाहिए डेफर करके हमेशा पी एंड एल में लेके जाते हैं तो क्या एंट्री पास करनी चाहिए एंट्री पास करेंगे मतलब थर्ड ईयर के एंड में एंट्री पास करेंगे पीएनडल अकाउंट डेबिट टू अनिकोगनाइज सर्विस कॉस्ट बोलो बेटा कितना ले गए अभी मुझे बताओ अनरिक सर्विस कॉस्ट आउट ऑफ थ्री लैख तुम्हारा राइट ऑफ कितना हुआ अभी भी कितना बचा हुआ है कहा दिखाएगा दिखाओगे बैलेंस शीट में दिखाओगे इसको डीबीओ ऑब्लिगेशन से नेट ऑफ करके प्रेजेंट करोगे जैसे तुम प्लान को नेट ऑफ करते हो ना क्योंकि प्लान का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है कि नहीं होता है तो अब तुमसे वो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन मांगेगा तो बैलेंस शीट में तुम्हें दिखाना है कि ये है तुम्हारे लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहां तुम्हारा दिखेगा डीबीओ पेबल उसमें से माइनस दिखेगा तुम्हारा प्लान असेट और माइनस क्या दिखेगा अनरिकग्नाइज सर्विस कॉस्ट का बैलेंस समझा कि नहीं समझा ये ऐसा दिखता है ये दोनों माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि दोनों के डेबिट डेबिट बैलेंसेस हैं समझे तो अनरिकग्नाइज सर्विस कॉस्ट इस तरीके से दिखती है कुछ आया समझ में मेरा एग्जाम्पल पर वापस आओ दो मिनट क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने तुम लोगों को अगर तुम पांच साल कंप्लीट करोगे तो जाके मैं तुम्हें बेनिफिट दूंगा ना पर मैंने तुम्हारे बेनिफिट को रिवाइज कब किया दो साल के बाद ही कर लिया तुमने अभी कितने साल कंप्लीट किए तो इसलिए मैंने दो साल को क्या माना पास सर्विस कॉस्ट और अभी जो सर्वे अभी आया नहीं है उसको क्या मैंने मैंने बोला अब मैं सिचुएशन उल्टा कर रहा हूं चेंज कर रहा हूं मान लीजिए मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं करंट इंप्लॉइज के लिए और जिन जिन के पांच साल कंप्लीट हो चुके हैं उनके लिए भी तुम लोगों के पांच साल कंप्लीट हो चुके हैं तो तुम लोगों को मुझे बताओ बेनिफिट कितने दे दिए मैंने पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट बेनिफिट दे चुका हूं ना मैंने जैसे ही नए इंप्लॉइज के लिए मॉडिफिकेशन किया पैंतीस परसेंट तुम यहां से अपनी आवाजें निकालने लगे हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए तो होता है कई बार ऐसे इंडस्ट्रीज में और कंपनीज में होता है पास्ट इंप्लॉयज या जो इंप्लॉइज है पर वो बोल रहे हैं हमारे पांच साल हो गए थे हमें बेनिफिट मिल चुका है पर यह हमें मॉडिफिकेशन का बेनिफिट दो तो समटाइम्स द मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो अनाउंस फॉर द इन दो इंप्लॉयज हु ऑलरेडी कंप्लीटेड इन सो नाउ टेल मी उनको ऑलरेडी कितना बेनिफिट मिल चुका है और उनको मैं रिवाइज करके कितना देना चाहिए था कितना एक्स्ट्रा और उन्होंने अपना पूरा साल कंप्लीट कर लिया कि नहीं तो बताओ यहां पर अनरिकग्नाइज सर्विस कॉस्ट कोई आएगी क्या सिर्फ क्या आएगी सिर्फ पास सर्विस कॉस्ट आएगी आया सर में कि नहीं अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखिए क्वेश्चन इसका आइए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट एंड एंटरप्राइज ऑपरेट्स अ पेंशन प्लान दैट प्रोवाइड्स अ पेंशन ऑफ दो परसेंट ऑन द फाइनल सैलरी फॉर ईच ईर ऑफ सर्विस दो परसेंट दे रही है पेंशन कितनी देगी दो परसेंट बेनिफिट वेस्ट कब होगा जो जो मेरी कंपनी में पांच साल पूरा करेगा उसी को रिटायरमेंट के टाइम पर दो दो परसेंट का पेंशन दूंगा जो पांच साल से पहले छोड़ के जाएगा उसको पेंशन वेंशन नहीं मिलेगी एक एक दो हजार पांच को एनटीडी ने क्या किया एनटीडी इंप्रूव द पेंशन टू मॉडिफिकेशन है कि नहीं है दो का कितना हो गया ढाई एडिशनल बेनिफिट कितना हो गया पॉइंट फाइव और एडिशनल बेनिफिट पर क्या 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 निकलता है पीएससी और यूएससी क्या होता है पी पास सर्विस कॉस्ट और अनरिकॉग्नाइज सर्विस कॉस्ट आपने कब रिवाइज कब रिवाइज किया है देखो देखो कब रिवाइज किया है 2005 में जबकि उसके आपने इफेक्टिव कहां से किया है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया है उन इंप्लॉइज के लिए भी जिन लोगों के हो चुके, हो चुके होंगे सर्विस हाँ तो एट द डेट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट क्या क्या हुए इंप्लॉय विथ मोर देन ऐसे एम्प्लॉज जिनके पांच साल ऑलरेडी हो चुके हैं उनका एडिशनल बेनिफिट कितना है दो लाख और एम्प्लॉय जिनके अभी बोलो बोलो जिनके अभी पांच साल नहीं हुए उनके एडिशनल बेनिफिट कितने हैं पीरियड एवरेज पीरियड अंटिल वेस्टिंग अभी उनका कितना पीरियड बचा है तीन साल कई बात समझ में कि नहीं तो बताओ जिनके पांच साल ऑलरेडी हो चुके हैं उनको क्या करोगे पास सर्विस कॉस्ट पूरी की पूरी उनका कोई पोर्शन है क्या और जिनके अभी काम अभी जिनका अभी टाइम बचा हुआ है अभी जिनकी सर्विसेज बची हुई है तो उसके लिए आप इसको क्या बोलोगे अनरिकोग्ज सर्विस कॉस्ट क्या बोलोगे इसको इसीलिए देखिए एंट्री क्या हो रही है ध्यान से देखो क्या एंट्री हो रही है पास्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट कितना टू इज बोलते हैं कभी कभार कभार कभी कबार बोलते हैं इट इज वन इन द सेम थिंग कोई बात नहीं तो क्या बोला है पास सर्विस कॉस्ट कितना 1.2 1.2 था ना ये टू डीबीओ पेबल फिर आगे चल के में डाल दिया आपने सिर्फ क्या डाला आपने पास सर्विस कॉस्ट को डाला क्लियर हुआ कि नहीं बस इतना ही क्वेश्चन था ठीक है हो सकता है ऐसा कुछ एमसीक्यू वगैरह में बन जाए तो मुझे बताइए मॉडिफिकेशन सबको क्लियर है मॉडिफिकेशन सबको क्लियर है वो 123 तीन साल के हिसाब से ही वैल्यू करके दी थी मतलब वो प्रपोशेट करना नहीं था क्योंकि वो तीन साल का ही रिमेनिंग था उनका ऐसा यहां समझ में आया कि नहीं अब मुझे बताइए ये मैंने आपको मॉडिफिकेशन समझा दिया अब क्या अब क्या कर्टेलमेंट कर्टेलमेंट क्या होता है घदो लिखा हुआ है ना लिख, बोल पढ़ के ही बोल दो कैंसलिंग द प्लान या फिर चेंज करना जैसे बेनिफिट बताओ इससे क्या होगी डीबीओ पेबल बढ़ेगा कि डीबीओ पेबल घटेगा डीबीओ पेबल घटेगा तो हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा इंप्लॉयर को फायदा होगा कि नुकसान होगा फायदा पर अगर उल्टा वो कॉम्पनसेशन दे रहा है तो नुकसान भी हो सकता है बोलो जी तो बस उसका क्वेश्चन कर लेते हैं curtailment का। आइए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी

Reduces the gross obligation. वो पूरी फालतू की कहानी बता रहे कुछ काम की नहीं है सीधा मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ रॉक स्टार एस्टिमेट द शेयर ऑफ क्या लिखा है ये ये क्या था ये क्या था ये ये था ये था आपको याद है ये क्या था ये ये वाला था याद है कि नहीं जिसको डेफर एनोटाइज करते हो तो वो बोल रहा है कि रॉकस्टार के पास आज भी एक अनोटाइज सर्विस कॉस्ट का बैलेंस बचा हुआ है कितना बैलेंस बचा हुआ है कितना बैलेंस बचा हुआ है ये ये बचा हुआ है। कितना बचा हुआ हुआ है 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 कितना 180 हा? और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्योंकि मैं कर्टल कर रहा हूं मतलब प्लान को गिरा रहा हूं तो प्रपोर्शनेटली अनोटाइज सर्विस कॉस्ट भी तो गिर जाएगी ना अनोटाइज सर्विस कॉस्ट क्या है कि फ्यूचर में मैं तुम लोगों को पे करूंगा अब मैं प्लान को क्या कर रहा हूं कर्टल मतलब फ्यूचर में तुम्हें लो, तुम लोगों को पे और वो सिर्फ एक सेगमेंट को बंद कर रहा है पूरी कंपनी बंद नहीं कर रहा है किसको बंद कर रहा है तो पूरे सेगमेंट को बंद कर रहा है मतलब क्या पूरा डीबीओ खत्म होगा कि उस सेगमेंट का डीबीओ खत्म होगा तो वैसे ही उस सेगमेंट का प्रपोर्शनेट अनोटा सर्विस कॉस्ट भी उतना ही खत्म होगा ना तो वो बोल रहा है कि लगभग लगभग दस परसेंट वो सेगमेंट जो है वो मेरा दस परसेंट बिलोंग करता है तो वो जो मेरी अनएमोटाइज सर्विस कॉस्ट है एक अस्सी की उसका सिर्फ कितना रिवर्स करना पड़ेगा अठारह अब वो आपको बोल रहा है कि मुझे गेन निकाल के दीजिए कि कर्टेलमेंट से मेरी गेन कितना हो रहा है अगर इमीडिएटली बिफोर द कर्टमेल हमारी ग्रॉस ऑब्लिगेशन ग्रॉस ऑब्लिगेशन मतलब डीबीओ कितने की है और प्लान असेट की फेयर वैल्यू कितनी है और अनोटाइज कितनी है और कर्टेमेंट से क्या होने वाला है कितने से ऑब्लिगेशन रिड्यूस होने वाली है जो कि एक तरीके से कितना है तो सबसे पहले तो बिफोर करटेमेंट अगर तुम्हारी बैलेंस शीट बनेटलमेंट अगर बने, बिफोर बैलेंसमेंट तो सीन क्या दिख रहा होगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर एक तरीके से डीबीओ कितना दिख रहा होगा 6000 उसके अगेंस्ट क्या माइनस करते हैं प्लान असट इक्यावन हम्म hmm? और अनरिकग्नाइज सर्विस कॉस्ट का भी तो डेबिट बैलेंस होता है ना कितना एक अस्सी ये दिख रहा है तुम्हारी बैलेंस शीट में करो नेट हम्म hmm? सेवन पर अब कितना कम होगा छह हजार से कितना कम होगा लिखा हुआ है कर्टलमेंट रिड्यूस द ऑब्लिगेशन बाय Which is, तो क्या क्या कम होगा क्या डीबीओ कम हो जाएगा बिल्कुल कम होगा ना डीबीओ कितने से कम हो जाएगा छह सौ से यूएससी भी वो कितने से कम कर रहा है दस परसेंट अठारह से पर के करण, प्लान असेट पे कोई नहीं पड़ता है मोस्टली मैं तुम लोगों को निकाल रहा हूं अपने इन्वेस्टमेंट तो बने रहने दूंगा ना अबे तुम भागो इधर से मेरे इन्वेस्टमेंट सेव है मेरे पास मैं वो क्यों बेचूं बाकी मेरे सेगमेंट चल रहे ना उनके लिए पड़े रहेंगे ना तो वो जब तक आपको कुछ ना बोले तो आप अपनी प्लान सेट वेट कुछ भी नहीं बेचोगे समझा तो अब क्या करने वाले हो तुम तुम इसको कैसे मैनेज करने वाले हो तुम बोलोगे कि भाई डीबीओ पेबल अकाउंट डेबिट 600 सौ टू अनिकोगनाइज सर्विस कॉस्ट या अनोटाइज पास सर्विस कॉस्ट क्रेडिट कितना 18 क्या तुम कोई सेटलमेंट कर रहे हो जीरो जान बुझ लिखवा रहा हूं ताकि एंट्री में याद रहे कल को किसी क्वेश्चन में आ गया सेटलमेंट तो टू बैंक करना पड़ेगा अब निकालो डिफरेंस तो तुम्हें गेन कितना हुआ? गेन ऑन कर्टलमेंट फाइव एटी टू गेन ऑन कर्टलमेंट कहां जाएगा पीएं आया समझ में कि नहीं ठीक है तो वो बोल क्या निकालने को गेन ऑन कर्टलमेंट अब अगर वो मान लो तुमसे पूछे कि पहले शीट में मुझे फर्दर बताइए क्या प्रेजेंटेशन दिखेगा तो क्या दिखाओगे प्रेजेंटेशन डीबीओ कितना दिखेगा फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लान असेट तो एज इट इज इक्यावन सौ ही बढ़ेगा और अनएमोटाइज सर्विस कॉस्ट पहले वन एटी था अब अठारह अच्छा से गिर गया तो वन सिक्सटी टू वन थर्टी एट की लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिखेंगी समझ गए दिस वॉज योर ओवरऑल क्या बताया मैंने तुम लोगों को ये कर्टेलमेंट ये हो गया तुम्हारा कर्टेलमेंट ये हो गया नोडिफिकेशन इसी के साथ तुम्हारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी खत्म अब क्या बचा मुझे बताओ क्या क्या पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को कितने प्रकार के बेनिफिट होते हैं कौन कौन से टर्मिनेशन बेनिफिट हमेशा कहां डालोगे इन दोनों को अभी हमने क्या समझा डीसीपी याद है ना डीबीपी समझ गए ना प्रोजेक्टेड वगैरह? अब क्या बचा शॉर्ट टर्म में क्या आता होगा सैलरी कहाँ जाती है सैलरी ये पढ़ाने की बात है क्या ठीक <laughs> है पर इसमें एक ही चीज पढ़ाने की बात है लीव्स लीव्स शॉर्ट टर्म इम्प्लॉक बेनिफिट के अंदर आपको एक ही पॉइंट अच्छे से अभी पढ़ाया जाता है लीव क्रेडिट्स लीव क्रेडिट क्या होता है लीव क्रेडिट छुट्टी होती है हाँ तो क्या होता है लीव क्रेडिट मतलब छुट्टी क्या छुट्टी जितनी छुट्टियां मिली थी कि इतनी तुम फ्री में छुट्टियां कर सकते हो सैलरी नहीं काटेंगे ऐसा सोचना है देखो

पर उनको अलाउड होता है कि तुम पूरे साल भर में इतनी पंद्रह या बीस एक्स्ट्रा छुट्टियां ले सकते हो नहीं समझा गया हाँ वो जो भी कर सकते मेरे को नहीं पता मुद्दे की बात ये है कि मैं किसी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी एंटिटी के अंदर अगर इंप्लॉय को क्या दिया गया छुट्टी का है कि भाई तू छुट्टी कर तेरी सैलरी नहीं कटेगी नहीं आई समझ में हो सकती है या तो वो छुट्टी ले लेगा तो उसकी सैलरी नहीं कटेगी या तो वो वर्कोहलिक होगा मतलब मतलब जल्दी बोलो वर्क क्या करेगा वो छुट्टी के दिन भी वो काम करेगा अब छुट्टी के दिन वो काम करेगा तो कोई मोटिवेशन होना चाहिए तो ही वो काम करे क्या मोटिवेशन अगर कंपनी कोई मोटिवेशन नहीं दे रही है कि छुट्टी में भी अगर काम करोगे हम तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे तो क्या वो मोटिवेशन से आएगा क्या नहीं आएगा हमारे जैसा व्यक्ति तो नहीं आएगा ठीक है पर अगर कंपनी उसको मोटिवेशन दे रही है क्या मोटिवेशन बेनिफिट कि छुट्टी के पे काम करो हम तुम्हें इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे तो ही वो आएगा बोलो बोलो ना बेटा तो दो बातें की मैंने छुट्टी पे छुट्टी कर छुट्टी पे काम करने से उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हैं नॉन नॉन लीव्स क्या एक्यूमुलेटिंग लीव्स उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने छुट्टी पे भी काम किया पर उसको कोई बेनिफिट पर वो काम कर रहा है क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और है ही नहीं <laughs> <laughs> रिकॉर्ड होना चाहिए था यार मेरे को दिखाना था उसको <laughs> तो मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसकी जिंदगी में कोई है ही नहीं अकेला है वो ठीक है वो शुभम सर है ठीक है मान लो ऐसा बंदा है जो शुभम सर की जैसा है शुभम सर है मान लो उनकी जिंदगी में कोई है ही नहीं तो वो छुट्टी पे दिन भी क्या करेंगे काम करेंगे मान लो हमने शुभम सर को बोल दिया वी स्मार्ट ने बोल दिया, विशाल सर ने बोल दिया छुट्टी के दिन भी काम हम तुम्हें कुछ भी, पे नहीं करेंगे, भी हम मैं चाबी दे दो मैं नहीं रहे छुट्टी पे भी वो काम कर रहे अब बेनिफिट नहीं दे रहे वो भी इंसान फिर भी काम कर रहा है कंपनी को क्या करना तू कर भाई अपना काम हमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छी बात है तू कर कंपनी कोई बेनिफिट दे रही है क्या तो कोई अकाउंटिंग होगी क्या इसको बोलते हैं नॉन अक्यूमुलेटिंग लीव नॉन अक्यूलेटिंग लीव मतलब जिसके बदले में बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्या हुआ वो उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा आया समझ में ठीक है अब बात करते हैं मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा अगर छुट्टियों पर काम किया तो मतलब जय चावला ठीक है अरे फैमिली है यार मतलब अगर मैं काम करूंगा तो फिर बेनिफिट होना चाहिए हा ना हा? <laughs> तो मुद्दे की बात कि भाई आप छुट्टियों पे काम करोगे तो बेनिफिट मिलेगा बेनिफिट दो तरीके से मिल सकते हैं बेनिफिट दो तरीके से मिल सकते हैं छुट्टी थी तुमने फिर भी काम किया इसका मैं तुम्हें कैश इंसेंटिव दूंगा बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कैश दूसरा छुट्टी थी तुमने काम फिर भी किया मैं तुम्हें इस छुट्टी का कैश इंसेंटिव तो नहीं दूंगा पर यह छुट्टी को मैं तुम्हें कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा कि अगले महीने तुम डबल छुट्टी ले लेना नहीं समझा क्या तो क्या होता है कैश अगेंस्ट लीव्स, लीव्स अगेंस्ट लीव्स। नहीं समझा कैश अगेंस्ट लीव्स मतलब लीव पे काम किया तो क्या मिलेगा कैश व्हाट इज दैट कैश अगेंस्ट लीव और दूसरा लीव पे काम किया पर मैं तुम्हें कैश नहीं दूंगा लीव दे दूंगा एक्स्ट्रा लीव दे दूंगा अप्रैल में मुझे अलाउड था दो छुट्टी करना संडेज के और सैटरडेज के अलावा दो छुट्टी दो छुट्टी का अलाउड था मैंने क्या किया एक छुट्टी पे छुट्टी मारी और एक छुट्टी पे काम किया और मुझे मिल रहा है लीव्स अगेंस्ट लीव्स मतलब मई में मुझे तीन छुट्टी मिलेगी आप मे की दो और अप्रैल की एक अंडरस्टूड नॉट वॉट इज दैट लीड्स अगेंस्ट लीड्स क्लियर है कि नहीं अब बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है पहले थियरिटिकल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंपली समझ लो फिर मैं उसका एक क्वेश्चन करवा दूंगा मान लो मेरी पर डे सैलरी है दस हजार रुपए कितनी है पर डे सैलरी कितनी है एवरेज सैलरी पर मंथ सैलरी किसी इंप्लॉय की होगी तीन लाख रुपए पर मंथ सैलरी तीन लाख डिवाइड बाई तीस तो कितनी आएगी नहीं दस हजार ही आएगी ना हाँ ठीक है यार वो। तो पर डे सैलरी दस हजार मुझे अप्रैल में कितने लीव्स अलाउड है दो अलाउड है ना कर ली मैंने छुट्टी छुट्टी कर ली छुट्टी होगी तो मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना फिर भी मुझे सैलरी कितनी मिलेगी तीन लाख क्या मेरी सैलरी डिडक्ट होगी क्या नहीं ना मेरे को तो अलाउड था ना समझा कि नहीं पर मैंने चुट, दो छुट्टी वाले दिनों में भी काम किया क्योंकि मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को बोल दिया कि छुट्टी पे काम करेगा तो तेरे को उतना ही दस हजार एक्स्ट्रा मिलेगा तो बताओ मैंने दो छुट्टियों पर एक्स्ट्रा काम किया तो मेरे को कितना पैसा मिलना चाहिए तीन लाख तो मिलना ही चाहिए बीस हजार एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो बेटा तो बस यही ए एस फिफ्टीन बोलता है कि अगर कैश अगेंस्ट लीव है तो सैलरी तो थ्री लाख तो जो थी वो थी पर जो बेनिफिट आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ट्वेंटी थाउजेंड का वो पूरा एज एक्सपेंस बुक कर लो अरे समझा कि नहीं तो बताओ अप्रैल में एक्सपेंस कितना बुक होना चाहिए थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड अरे दोनों छुट्टी दोनों छुट्टी पे काम नहीं का, काम किया ना मैंने तो क्या होगा एक्सपेंस कितना बुक होगा थ्री लाख Guys understood or not? अगला दूसरा अप्रैल महीने में मैंने काम दोनों छुट्टी पे भी काम किया पर मेरे को मेरे बॉस ने बोला कि छुट्टी पे काम करेगा तो मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा मैं तेरे को अगले महीने छुट्टी कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा और अगले महीने की छुट्टी एक्स्ट्रा मिलेगी वो अलग तो बताओ अप्रैल महीने में मैंने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे बोलो बोलो मे में, में हाँ या, हाँ या ना अब में, में कितने महीने कितनी छुट्टी मुझे अलाउड है चार पर मुझे अप्रैल की सैलरी कितनी मिलेगी तीन अब पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूं पहले मैं आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं कि एएस उसके बारे में वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या देने वाला है पहले प्रॉब्लम को समझो इस महीने मैंने दो दिन एक्स्ट्रा काम किया तो भी मुझे सैलरी कितनी मिलने वाली है तीन लाख अगले महीने मेरे को कितनी छुट्टियां मिलने वाली है चार मैंने चारों छुट्टी दे मारी दे दी मैंने छुट्टी कर दी मैंने छुट्टी दोस्त की शादी थी छुट्टी कर दी तो भी मुझे बताओ सैलरी कितनी मिलने वाली है तीन लाख प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो अप्रैल में ज्यादा काम करने पर भी खर्चा कितना बुक हो रहा है तीन लाख मई में कम काम करने पर भी खर्चा कितना बुक हो रहा है तीन लाख प्रॉब्लम क्या है मैचिंग प्रिंसिपल मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि जिस पीरियड में आपको जितना बेनिफिट मिला उतने बेनिफिट के प्रपोर्शन में एक्सपेंसिस दिखाओ इंप्लॉयर को अप्रैल में बेनिफिट ज्यादा मिला कि मई में बेनिफिट ज्यादा मिला अप्रैल में उसको ज्यादा बेनिफिट मिला ना इंप्लॉय से क्योंकि उसने दो दिन एक्स्ट्रा काम किया तो कायदे से अप्रैल में अगर मुझे इंप्लॉयर को ज्यादा बेनिफिट मिला तो एक्सपेंडिचर uh, भी ज्यादा बुक हो जाना चाहिए ना और मई में इंप्लॉयर को बेनिफिट कम मिला कि नहीं मिला क्यों मिला कम चार छुट्टी दे मारी तो कायदे से बेनिफिट कम मिला तो एक्सपेंस भी तो कम बुक होना चाहिए तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये हो गई कि अप्रैल में मैं तीन लाख रुपए की सैलरी बुक कर रहा हूं मई में भी मैं, मैं तीन लाख रुपए की सैलरी बुक कर रहा हूं प्रॉब्लम समझ में आ रही कि नहीं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए उन्होंने बोला कि नहीं 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 ये तरीका सही नहीं है ये तरीका सही नहीं है ऐसे तीन तीन लाख करेंगे तो मैचिंग प्रिंसिपल खराब हो रहा है तरीका क्या करना है

जय चावला को दो छुट्टी दी गई थी पर उसने दो छुट्टी पे भी काम किया पर मैं जय चावला को उसके बदले कैश इंसेंटिव नहीं दूंगा मैं जय चावला को कह रहा हूं कि तू अगले महीने एक्स्ट्रा छुट्टी मार लेना आया समझ में कि नहीं पर मैं तो जय चावला को जानता हूं वो तो बहुत वर्क हो लेके वो अगले महीने छुट्टी उसको चार में से वो एक ही मारेगा चार मतलब चार की छुट्टी थी ना उसकी चार कैसी थी मई मंथ की दो और अप्रैल की दो मान लो मैंने जय को बोला कि तेरी जो छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो रही है वो एक्सपायर हो जाएगी हर मंथ के एंड पर मतलब सिर्फ एक ही महीने कैरी फॉरवर्ड हो पाएगी समझे क्या तो मुझे पता है जय चावला ना अगले महीने चारों की चारों छुट्टियां नहीं करेगा वो सिर्फ तीन ही छुट्टियां करेगा मतलब मेरी जो अप्रैल की दो कैरी फॉरवर्ड हुई थी उनमें से एक एक्सपायर हो जाएगी समझा कि नहीं तो कायदे से जय चावला मुझे अगले महीने अगले महीने वो चार छुट्टी करना चाहिए पर वो कितनी छुट्टी करने वाला है तीन इसका मतलब वो एक दिन एक्स्ट्रा काम फिर भी करने वाला है नहीं समझा मतलब वो आपको ये देखना है लीव अगेंस्ट लीव के अंदर कि मैं आज दो अपनी लीव कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं अगले महीने में तो उनमें से कितनी लीव्स को यूटिलाइज करूंगा कितनी लीव्स को इन द सेम वे आप अगर एनुअल ईयर लेके चलो पूरे साल भर में एनुअल ईयर में मान लीजिए मेरे दस लीव्स बच गए जिनको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं नेक्स्ट ईयर में क्या कर रहा हूं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं नेक्स्ट ईयर में और नेक्स्ट ईयर की मेरे को थर्टी लीव्स वैसे भी अलाउड है तो बताओ ये दस जोड़ के कितनी हो जाएंगी चालीस पर मेरे को बोला गया कि ये दस लीज तुम्हारी एक्सपायर हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर के बाद अरे नेक्स्ट ईयर खत्म होने के बाद मेरी ये दस लीव एक्सपायर हो जाएंगी ठीक है पर कंपनी बोल रही है कि इसको चालीस छुट्टी तो दी है पर ये दस में से सिर्फ पांच ही यूटिलाइज कर पाएगा दी हमने इसको दस कैरी फॉरवर्ड करके दिए पर ये यूटिलाइज कितनी कर पाएगा और बाकी पांच एक्सपायर हो जाएंगी तो बताओ यहां पर कंपनी पूरे दस लीव के बदले जो उसको दस लीव कैरी फॉरवर्ड करवा रही है अगर दस लीव के बदले मुझे आपको कैश देना था दस लीव के बदले अगर मुझे कैश देना था कैश कोई छोड़ता है क्या तो कैश तो तुम पूरा ही ले लोगे ना तो यहां पर कैश अगेंस्ट लीव के अंदर हम हंड्रेड परसेंट प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि यार तुमने दस दिन पे काम किया तो तुम तो मुझसे पैसा लोगे पर अगर लीव अगेंस्ट लीव है तो मैं बोलूंगा कि यार वैसे भी मुझे कैश तो देना नहीं है और पता नहीं वो अगले अगले टाइम पे जाके पता नहीं वो छुट्टियां लेगा कि नहीं लेगा मेरा अनुमान है कि वो सिर्फ पांच, पांच दिन की ही छुट्टी लेगा मेरा अनुमान क्या है पांच दिन की छुट्टी लेगा मतलब वो फिर भी पांच दिन एक्स्ट्रा मेरे लिए काम करेगा ही करेगा समझा कि नहीं तो आज में इन दस हॉलीडेज मल्टीप्लाई बाय 50% प्रोबेबिलिटी क्योंकि वो पांच हॉलीडेज ही काम हो जाएगा फिफ्टी परसेंट प्रॉबिलिटी पांच हॉलीडेज ही मुझसे एक्स्ट्रा लेने वाला है मैं सिर्फ पांच लीव का ही प्रोविजन एक्सपेंस क्रिएट करूंगा कितना expense create करूंगा सिर्फ पांच लीव का जितना मुझे एक्सपेक्टेड है कि वो फ्यूचर में अवेल कर पाएगा आई मेरी बात समझ में कि नहीं मेरा बताने का मतलब बस इतना है कि दो चीजें होती है एक होता है कैश अगेंस्ट लीव्स और दूसरा क्या होता है leaves, leaves against leaves. लीव्स अगेंस्ट लीव्स, कैश अगेंस्ट लीव में हम हंड्रेड परसेंट एक्सपेंस बुक करते हैं फॉर फॉर अनयूज लीव्स, अनूज लीव समझते हो क्या होती है अनयूज लीव जिन छुट्टियों पे काम किया उसका हंड्रेड परसेंट एक्सपेंस बुक करते हैं क्यों सामने वाला कैश थोड़ी छोड़ेगा यार मुझे पे करना पड़ेगा ना जबकि यहां पर यहां पर अनयूज लीव्स का मुझे प्रोबेबिलिटी बताया जाएगा कि कितनी वो छुट्टियां यूटिलाइज कर सकता है मुझे उतने का ही एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा तो यहां पर मुझे एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा एस्टिमेटेड बेसिस पर एस्टिमेटेड एक्सपेंस फॉर अनयूज लीव्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी मैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर एक्सपेंडिचर बुक करूंगा ठीक है बस इतना ध्यान रखना है आपको एक हंड्रेड परसेंट एक्सपेंडिचर बुक करते हैं, है तो, कैश कि कितने वो आगे चल के मुझसे हॉलीडे लेने वाला है Guys, तो अगर मैं आपको बोलूं अगर वो आपको बोले कि पर डे ध्यान से मुझे जवाब दीजिएगा कैलकुलेटर पर आपकी अनयूज लीव्स दस है पर एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय कितनी है दस टोटल एम्प्लॉस तीन सौ लोग हैं इट इज एक्सपेक्टेड इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओनली फोर्टी परसेंट ऑफ अनयूज लीव्स विल बी यूटिलाइज ये जो तीन सौ लोग हैं ना ये सिर्फ कितनी यूटिलाइज कर पाएंगे चालीस परसेंट यूटिलाइज कर पाएंगे उनकी साठ परसेंट एक्सपायर हो जाएंगी तो बताओ ना कंपनी को तो सिर्फ फोर्टी परसेंट ही कॉम्पनसेशन देना पड़ा ना कॉम्पनसेशन किस फॉर्म में छुट्टियों के फॉर्म में नहीं समझा एक काम करो 300 सौ नंबर मल्टीप्लाई बाय दस कितना आ रहा तीन हजार मतलब अगले साल कंपनी 3000 डेज का छुट्टी देने वाली है अब ये मत बोलना कि सर 365 में से 3000 कैसे होगा अरे हर इंप्लॉय का 10 10 करके 3000 डेज का छुट्टी देने वाली है तो कंपनी क्या एक्सपेक्ट करेगी यार डेज का मेरे को नुकसान होगा नहीं उसको सिर्फ चालीस का ही नुकसान होगा क्यों क्योंकि बाकी साठ परसेंट पर वो लोग काम करने आएंगे नालायक लोग आया समझ में तो कॉम्पनसेट करने वाली है और ये कंपनी ने नहीं बोला कंपनी का अनुमान है क्योंकि पास एक्सपीरियंस यही कहता है तो मुझे बताओ आज मुझे एक्सपेंस कितना बुक करना चाहिए हंड्रेड परसेंट की फोर्टी परसेंट क्योंकि कितने यूटिलाइज होने वाली है चालीस परसेंट ना बेटा क्या लिखा है चालीस 40... क्या लिखा क्या है

थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय टेन मल्टीप्लाई बाय फाइव थाउजेंड साठ लाख का चालीस परसेंट अच्छा फोर्टी परसेंट करके सिक्सटी लगाया, आया तो सिक्सटी लाख का एक्स्ट्रा प्रोविजन मुझे आज बना के रखना चाहिए आया समझ में कि नहीं कितने का बनाना चाहिए हाँ वापस से मेरे को फिगर्स बिना चालीस परसेंट के बताना ग्रॉस फिगर कितना था थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय दस मल्टीप्लाई बाय पांच हजार एक करोड़ पचास लाख क्या मैं कह सकता हूं कि तुमने करंट ईयर में मुझे दस दिन एक्स्ट्रा काम करके दिया अरे लीव्स है ना तुम सबने मतलब तुम तीन तीन, 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 तीन सौ के तीन सौ लोगों ने मुझे मेरी कंपनी के लिए कितना एक्स्ट्रा काम किया तो कायदे से मेरे को कितने का कितने का खर्चा बनता है मैं मुझे कितने आगे चल के मुझे तुम्हें दस दिन को अलाउ करने पड़ेंगे ना तो दस दिन का खर्चा कितना बनता है डेढ़ करोड़ बनता है कि नहीं बनता है? मैं जानता हूं कि तुम आगे भी यूज़ 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 नहीं करोगे। करोगे करोगे? कितना तुम लो? तुम लोग? लोग तो पता है क्लियर हुआ लॉजिकली तुमने मुझे एक्स्ट्रा सर्विस कितने की दी अभी

मैं तो डेढ़ करोड़ का चालीस परसेंट ही मानूंगा ना क्योंकि मुझे पता है कि साठ परसेंट तो छुट्टियां अवेली नहीं होंगी तो मैं क्या खर्चा करके बुक करूंगा मैं खर्चा बुक करूंगा डेढ़ करोड़ का चालीस परसेंट आया समझ में कि नहीं बस इतना समझना होता है और ये वो भी किसके अंदर करना होता है बताओ कैश अगेंस्ट लीव में कि लीव अगेंस्ट लीव में कैश अगेंस्ट लीव में मैंने बोला कि दे... मैं दस दिन की तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी कैश में पे करूंगा डेढ़ करोड़ एक्स्ट्रा पे करूंगा बोलो अब मैं क्या डेढ़ करोड़ का साठ परसेंट बुक करूंगा क्या तो हर कोई आएगा ना पैसे मांगने मुंह उठा के बोलो ना क्लियर <laughs> होगी नहीं तो किसमें हंड्रेड परसेंट खर्चा बुक करना होता है और किसमें एस्टिमेटेड करना पड़ता है लीव लीव अगेंस्ट एस्टिमेट कितना कितनी अवेल होंगी उसका समझ में आएगी नहीं बस ये समझना है आपको ये थे आपको ध्यान रखना है अंडरस्टूड गाइस ये देखो एक क्वेश्चन है आइए मिस्टर राजन इज वर्किंग फॉर इन्फोटेक फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एनुअल सैलरी कितनी है भाई की तीस लाख कितनी सैलरी है भाई की तीस लाख टोटल वर्किंग डेज कितने होते तो भाई, भाई कर, बताओ कितनी वर्किंग एवरेज सैलरी कितनी हो रही पर डे उसकी एवरेज सैलरी पर डे तीस लाख अगर साल भर की एनुअल सैलरी है तो डिवाइड बाय थ्री हंड्रेड करके कितना हो रहा है टेन थाउजेंड उसकी पर डे सैलरी हो रही है Leaves उसको कितनी अलाउ की गई थी हम्म? उसने कितनी छुट्टियां मारी कितनी कितनी अनयूज हो गई अनयूज अनयूज कितनी हो गई दो अब हमें यह चेक करना है कि लीव अगेंस्ट लीव है कि कैश अगेंस्ट लीव है अगर कैश अगेंस्ट लीव हुआ तो दो मल्टीप्लाई बाय दस हजार पूरा दस हजार पूरा बीस का खर्चा डेवलप करो नहीं समझा क्या हा द अनयूटिलाईज लीव आर सेटल्ड बाय वे ऑफ ओ माई गॉड पेमेंट कैश accordingly carry forward of such सच to the subsequent period is मतलब क्या है ये कैश अगेंस्ट लीव की लीज लीज अगेंस्ट लीव कैश अगेंस्ट लीव तो मुझे बताओ दस हजार मल्टीप्लाई बाय दो हाँ तो बताओ कंपनी को इस बार एक्सपेंडिचर कितना बुक करना चाहिए तीस लाख प्लस बीस हजार अरे तीस लाख तो देना ही पड़ेगा ना प्लस बीस हजार कि, कितना हुआ थर्टी लाख ट्वेंटी का एक्सपेंडिचर बुक करना चाहिए हाँ या ना टोटल इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बेनिफिट एक्सपेंस कितना होगा लाख हजार अब मैं अगर सिचुएशन चेंज तो क्या सिचुएशन क्या बोलू मैं लीव्स अगेंस्ट लीव्स और मुझे पता है राजन की अनयूज लीव्स कितनी थी बोलो बेटा कितनी थी मैं बोल रहा हूं केस वन राजन दो की दो यूज करेगा दो अनयूज है दो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी अगले साल वाला वो पूरी यूटिलाइज करेगा कितना खर्चा बुक करूं पूरे बीस हजार अभी मेरी अभी वो दो, दो उसकी क्या है अनयूज है ना तो इसका मतलब क्या अगले साल यू कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना मेरा अनुमान है कि वो दो यूज कर लेगा पूरी की पूरी हंड्रेड परसेंट यूटिलाइज कर लेगा तो मुझे खर्चा भी कितना बुक करना पड़ेगा तो मैं कितना खर्चा बुक करूंगा तीन लाख तीस लाख अगेन केस टू राजन पचास परसेंट ही यूटिलाइज करेगा तो मैं कितना खर्चा बुक करूंगा थ्री लाख थर्टी लाख टेन थाउजेंड क्यों दो कैरी फॉरवर्ड तो करवा रहा है वो पर मुझे पता है कि वो एक ही दिन में छुट्टी मारेगा एक दिन मेरे पास और आएगा काम करने जिसके बैठक उसको कैश वाइश नहीं देने वाला तो मेरा खर्चा तो दस हर ही हुआ ना क्योंकि उसने एक ही दिन छुट्टी मारी तीसरा केस राजन एक भी छुट्टी नहीं मारेगा राजन यूटिलाइज नहीं करेगा जीरो यूटिलाइजेशन मैं सिर्फ तीस लाख ही बुक करूंगा क्यों वो दो छुट्टियां जो उसकी अनयूज्ड है वो कैरी फॉरवर्ड तो करवा रहा है पर वो छुट्टियां नहीं लेगा जिसके बदले में उसको कैश और वो छुट्टियों पे भी काम करेगा तो मेरे को क्या टेंशन ही नहीं है करे <laughs> समझा कि नहीं मैं उसको कोई कॉम्पनेशन ही नहीं दे रहा हूं लॉजिकली तो मैं बस, बस जो तीस लाख जो उसको सैलरी पे कर रहा हूं बस वो ही करेगा समझा कि नहीं समझा हाँ ये समझ में कि नहीं तुम्हारा हो गया ए एस फिफ्टीन खत्म यही था तुम्हारा ए एस फिफ्टीन दट सेट कुछ समझा कि नहीं समझा ये देख लो शॉर्ट टर्म इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस क्या बोलते हैं इसको मतलब लीव्स के बदले कॉम्पनसेशन मिलेगा इसको क्या बोलते हैं क्या लिखा है अबे तुम लोग बोर्ड पे देखो ना यार तुम लोग क्यों अपना टाइम पास करवा रहे हो यार मेरे से मतलब तुम लोग ना मजबूर कर रहे हो कि मैं कल से क्लास ना लू मतलब ऐसा रिएक्शन दे रहे हो क्या बोलते हैं इसको ये वो शुभम सर मतलब क्या कितना भी काम कर लो एक्स्ट्रा हम तुम्हें पे नहीं करेंगे एगी नहीं कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा क्या नहीं होगा हाँ ये क्या होता है काम करोगे एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा पे या एक्स्ट्रा छुट्टियां देंगे ये भी दो प्रकार की होती है क्या क्या हाँ, अब इनके नाम याद रखो नाम क्या बोला गया वेस्टेड बेनिफिट मतलब कैश कॉम्पन दूसरा अनवेस्टेड मतलब लीव अगेंस्ट अनयूज लीव कि नहीं अब यहां कितना प्रोविजन बनाना पड़ता है समझा कि नहीं जबकि यहां प्रोविजन बनाने के लिए पढ़ो इसको क्या लिखा है मेक प्रोविजन फॉर एस्टिमेटेड लीव कैरी फॉरवर्ड एंड कितनी यूज करोगे उसका प्रोविजन बनाऊंगा सर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कितनी यूज करेगा बेटा मेरा एच आर डिपार्टमेंट मुझे बताएगा ना हर कंपनी का एच आर डिपार्टमेंट होता है ना एच आर डिपार्टमेंट बताएगा पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये लोग कितनी यूज करेंगे तो उस हिसाब से आप सैलरी बुक करोगे गर्ज अंडरस्टूड और नॉट एक छोटा सा पॉइंट और है प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान अगर आप अपने किसी इंप्लॉय को प्रॉफिट का शेयरिंग दे रहे हो प्रॉफिट का सर ऐसा भी होता है गूगल गूगल का का मालिक कौन? मालिक तो, का कौन कौन तो ठीक है मेन सीईओ सुंदर सुंदर पिचाई पिचाई को सैलरी के अलावा हो सकता है उसको गूगल के प्रॉफिट्स का तीन परसेंट मिलता हो पांच परसेंट मिलता हो मिलता भी होगा कोई बड़ी बात नहीं तो ये चीज कुछ टॉप मैनेजमेंट इंप्लॉय को मिलती है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान जिसको बोनस के फॉर्म में मिलती है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग का अगर अगर आपके एम्प्लॉय को प्रॉफिट का कुछ शेयरिंग दे रहे हो तो वो भी एक तरीके से एक्सपेंडिचर ही हुआ एक्सपेंडिचर हुआ तो आप उसको पी एंडल में ले जाओगे आप उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ना मान के उसको सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन ही मानोगे आया समझ में कि नहीं बस ये ध्यान रखना है आपका ये खत्म हो गया गाइज अंडरस्टूड और नॉट दिस वॉज ए एस फिफ्टीन थैंक यू सो मच एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोई डाउट हो तो आप रेपिड रिविजन के ग्रुप में पूछ सकते हो ठीक है बेटा कोई डाउट यहाँ तक पक्का चलिए थैंक्स अ लॉट बाय बाय टेक केयर